सर जर्रा कैमरा जूम जूम करेंगे सर ये बोर्ड फोकस करेंगे सर बस okay students now uh, we will continue with uh, trna structure right trna frameshift mutation over trna molecule now trna it is also called transfer rna why it is called transfer rna because it carry amino acids it carry amino acid from the site of cytoplasm to the ribosome it carry amino acid it carry amino acids from cytoplasm to the ribosome that's why it is called transfer rna okay

given by Robert Holley, 2D structure of tRNA is looking like clover leaf model. So structurally tRNA look like this, tRNA will look, look like this.

तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी वैसे ही दिख रहा तो क्लोवर लीफ मॉडल बोले इसको एट थ्री प्राइम एंड टी आर एन एज है कॉमन बेस इक्वेंस सी सी ए क्वेश्चन पूछा जा सकता है एट थ्री प्राइम एंड ऑफ द टी आर एन ए व कॉमन बेस सिक्वेंस सी सी एल द टी आर एन एज दे आर हैविंग कॉमन बेस सिक्वेंस एट थ्री प्राइम एंड एंड इट इज कॉल्ड अमाइनो एसिड बाइंडिंग आर्म अमाइनो एसिड बाइंडिंग आर्म बोलते हैं इसको यहां पर अमाइना एसिड बैठेगा थ्री के ऊपर एंड अपोजिट टू अमाइनो एसिड बाइंडिंग आर्म व्हाट इज प्रेजेंट एंटी कोडॉन आर्म इज प्रेजेंट एंटी कोडॉन आर्म अपोजिट टू अमाइनो एसिड बाइंडिंग आर्म वॉट इज देर एंटी कोडॉन आर्म नो नीड टू टेल अमाइनो एसिड बाइंडिंग के बारे में वॉट इज एंटी कोडॉन एंटी कोडॉन इज ए से प्रेजेंट ऑन टी आर एन ए विच फॉर्म्स कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेरिंग विथ कोडॉन ऑफ एम आर एन मतलब यहां पर जो भी यू ए सी है समझो टी आर एन ए के एंटीकोडॉन आर में तो यमआरएनए जो है इसका कॉम्प्लीमेंटरी रहना चाहिए जहां ये टी आर एन ए जाके एमआरए से बाइंड होगा और एम आर एन ए का जो कोडॉन होगा कॉम्प्लीमेंटरी रहेगा टू तो एंटीकोडॉन कोडॉन आर वॉट इज एंटीकोडॉन सेट ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स

टी साइ सी का फंक्शन बताइए टी साइसी बाइंड विथ लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोजोम यह राइबोजोम के लार्जर सब यूनिट से बाइंड करेगा टी साइ सी आर्म डीएचयू आर्म वॉट इज अ फंक्शन इट रिकोग्नाइज अमाइनो एसिल सिंथेटिस एनजाइम इट रिकोग्नाइज अमाइनो एसिल सिंथेटिज एनजाइम अमाइनो एसिल सिंथेटिज एनजाइम को रिकोग्नाइज करेगा डीएचयू आर फंक्शन पूछे जा सकते हैं ड ऑफ द टी आर एन एज कॉल्ड एक्सेप्टर आर्म कौन सा जो है एक्सेप्टर है एक्सेप्टर एक्सेप्टर मतलब कोई चीज एक्सेप्ट कर रहा है अमाइना एसिड एक्सेप्ट कर रहा है अमाइना एसिड बाइंडिंग आर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर आर्म यह था टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनएलो कॉल्ड क्लोवर Leaf मॉडल और एग्जाम के लिए ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्री प्राइम एंड और एंटीकोडॉन आर्म तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछे जा सकते हैं डीएचयू आर्म टीसाई सी आर्म ओके डीएचयू टीस आई सी, -सी में तो नहीं दिया है लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको हम्म टी TIC सी टी फॉर्म का क्या होता है टी साइ सी सीडोथाइमिडिन साइटिडिन आर्म बोलते हैं इसको एंड डीएचयू आर्म का डाइहाइड्रोक्सी डाइहाइड्रोक्सी यूरिडिन आर्म क्वेश्चन इफ ए स्टेटमेंट क्वेश्चन एनी थिंग टी आर एन एव समयल बेस अनयूजल सीडो था ऐसा बेस कुछ नहीं था एक अनयूजल बेस है वो मॉडिफाइड बेस है सीडो थाइमेडिन साइटिडिन आर्म डाइहाइड्रॉक्स यूरिडिन भी वैसे ही है कुछ अनयूजल बेस है वो ठीक है

चलो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोड ऑन 64 हाउ मेनी कोड फॉर अमाइनो एसिड 61 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड 20 एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीआरएनए 20 देर आर एट लीस्ट 20 टाइप्स ऑफ टीआरएनए एट लीस्ट 20 टाइप्स ऑफ टीआरएनए एट लीस्ट 20 टाइप ऑफ टीआरएनए है ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं आपको आगे मालूम होगा

स्टॉप कोडॉन कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड नो टी आर एन ए का फंक्शन क्या है ट्रांसफर अमाइनो एसिड इसको ट्रांसफर इसलिए बोले बिकॉज इट ट्रांसफर अमाइनो एसिड एंड स्टॉप यू ए जी यूजीए दे आर नॉट कोडिंग फॉर एनी अमाइनो एसिड हेंस देर इज नो टी आर एन ए फॉर स्टॉप कोडॉन स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टी आर एन ए नहीं है इसका मतलब ये हुआ 61 कोडॉन के लिए हम टीआरएनए हैं 61 कोडॉन के लिए टीआरएनए हैं 61 कोडॉन आर हैविंग टीआरएनए एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीआरएनए ओनली 20 टाइप्स ऑफ टीआरएनए हाउ दे रीड जस्ट थिंक हाउ 61 कोडॉन्स आर रेड बाय 20 टाइप्स ऑफ टीआरएनए है ना अगर स्ट्रिक्ट अगर स्ट्रिक्ट रूल बनाएंगे तो जरा मुश्किल होगा यहां पर ट्वेंटी टाइप के टी आर एन ए सिक्सटी वन के साथ बाइंड नहीं हो सकते फिर स्ट्रिक्ट रूल तो नहीं है इधर कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है अगर सिक्सटी वन लॉक है तो कितने कीज चाहिए मैं बोल रहा हूं सिक्सटी वन हैं और ट्वेंटी कीज हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है इधर कि के वन की ओपनिंग मोर देन वन लॉक तो सेम ऐसे ही कुछ ना कुछ हो रहा है यहां पर तो ये था टू डायमेंशनल पिक्चर ऑफ टी आर एन ए मैं अभी वो बताऊंगा थ्री डायमेंशनल पिक्चर थ्री डी पिक्चर ऑफ टी आर एन ए लुक्स लाइक इन्वर्टेड यल शेप और जितने भी न्यू एनसीआरटी एडिशन आए हैं टू थाउजेंड नाइनटीन से उसमें जो स्ट्रक्चर दिया है दैट इज थ्री डी पिक्चर दिया हुआ है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है वो कैसा दिख रहा है ये यल शेप दिख रहा है और इनवर्टेड यल शेप दिख रहा है दिस इज द दाइव प्राइम एंड एंड दिस इज थ्री प्राइम एंड आप बोलेंगे सर ये भी टी आर एन ए है वो भी टी आर एन एर एन एर एन ए है ये भी दोनों भी सेम ही टी आर एन ए है लेकिन ये टू डायमेंशनल में दिख रहा है ऐसे ये थ्री डायमेंशनल में दिख रहा है एंड हियर यू यू कैन सी दिस इज द द्री प्राइम एंड एक्सेप्टर आर्म acceptor arm and this one is anti codon arm anti codon arm in three dimensional structure of trna which loops are not visible dhu arm extra arm और वो टी arm सी आर्म तो दिख रहे नहीं यहां पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है है वो दिख नहीं रहे हैं बस थ्री डायमेंशनल में नहीं दिख रहे वो बस ठीक <coughs> है now let's uh, study what is meant by Ubal hypothesis we will explain about flexibility how 20 types of trna are reading 61 codons let's see Ubal hypothesis ubol hypothesis suppose दिस इज यम आर एन पर कोडॉन है यू 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 यम आर एन ए क्या होते हैं कोडॉन और सेकेंड कोडॉन है ए, ए ए क्या है ये कोडॉन है क्या है कोडॉन है ट्रिपलेट्स है ना ये कोडॉन्स हैं तो यू 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 के लिए एक टीआरएनए आना चाहिए यहां पर यल शेप इसे ड्रॉ कर देते सिंपल दिस इज द टी आर एन एंड दिस इज द टी आर एन ए कोडॉन ओके इफ कोडॉन इज यू 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 टी आर एन ए शुड ब्रिंग विच असिड यू 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 कोड फॉर विचनासिड फिनाइल लिख देंगे इधर अगर कोडॉन ए ए ए है तो उससे एसिड लाइसीन है ठीक है ना तो यहां पर रहेगा एंटी कोडॉन ये कोडॉन था तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन रहना चाहिए तो यहां पे एंटी कोडॉन कैसा हो रहा है देखिए, यू रहा तो ए आना चाहिए ए आना चाहिए यू रहा तो फिर एक बार ए आना चाहिए लेकिन यहां पर टरी हो जातीमेंट्री एंड दिस नॉन कॉम्प्लीमेंट्री बेसपेरिंग इज कॉल्ड उबल हाइपोथेसिस अगर यहां पे नॉन कॉम्प्लीमेंट्री बेसपेरिंग नहीं होता स्ट्रिक्ट रूल मेंटेन करते एक यहां पे यू रहा तो एच लिखते तो ऐसा बोलते आपको 61 वन कोडान बोलते सिक्सटी वन टीआर चाहिए आपको समझ रहे हैं बात आप मेरी ठीक हाँ? है क्लियर अगर यू है तो यहां पर ए आना कंपलसरी बोल रहे आप सपोज ए ही आना चाहिए दूसरा नहीं आ सकता तो एक रूल और मेंटेन करो आप 61 वन कोडान है तो 61 वन टी आर ए बनाओ लेकिन है नहीं है कितने वहां पर 20 tRNA है तो ऐसा कुछ तो कुछ हो रहा होगा फ्लैक्सिबिलिटी नॉन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हुआ तो भी बाइंड हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर ए ए ए आया तो यू यू और एक बात सुनो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फर्स्ट और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड में नहीं होता थर्ड में होता थर्ड न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड उबल बेस कल भी पढ़ाए मैं आपको यहां पे ए आया तो कुछ और सी लिख दियो जी लिख दियो कुछ भी लिख दो जी लिख देंगे आप बोलेंगे होना बोल के मिस्टेक कर रहे हैं क्या बोल के मिस्टेक कर रहे हैं हम बोलकर मिस्टेक कर रहे हैं यहां पर नॉन कॉम्प्लीमेंट्री बेस्पेरिंग होने वाली है और इस नॉन कॉम्प्लीमेंट्री बेस्पेरिंग को हम उबल हाइपोथेसिस बोलते हैं एंड दिस हाइपोथेसिस प्रपोज बाय क्रिक व्हाट इज उबल हाइपोथेसिस Non complementary base pairing. Non complementary base pairing at third nucleotide of codon. At third nucleotide of codon. E is called third nucleotide of codon with. थ फर्स्ट न्यूक्लियो टाइड ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियो टाइड ऑफ एंटीकोडॉन ईज कॉल्ड ऊबलाइपोथिस समझने आ रहा है आपको इसको थर्ड क्यों बोल रहा हूं इसको फर्स्ट क्यों बोल रहा हूं मैं समझने आ रहा है आपको अब देखो यू 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 बला मैं तो यहां से शुरू करूंगा ना मैं फाइव प्राइम से ये थ्री प्राइम ये अगर फाइव प्राइम से थ्री प्राइम है तो ये क्या है प्राइम प्राइम से इधर आना ना तो हमेशा रीडिंग कहां से करना बोला मैं कल प्राइम से थ्री प्राइम, तो प्राइम, प्राइम डायरेक्शन में ही पढ़ना चाहिए जेनेटिक कोड को दैट मीन जेनेटिक कोड इज हैविंग पोलैरिटी जेनेटिक कोड इज हैविंग पोलैरिटी डायरेक्शन है उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही पढ़ना चाहिए फाइव प्राइम से थ्री प्राइम ही पढ़ना चाहिए तो फाइव प्राइम से थ्री प्राइम की जगह जाऊंगा तो कोडॉन का कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा वो थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ कोडॉन फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ एंटी कोडॉन इज कॉल्ड उबल हाइपोथेसिस अब क्वेश्चन अगर व्हाट इज उबल हाइपोथेसिस ये लिख दिए व्हाट इज एडवांटेज ऑफ उबल हाइपोथेसिस एडवांटेज इट हेल्प्स इन टे एकोनॉमी ऑफ टी आर एन एट हेल्प इन मेंटेनिंग एकोनॉमी ऑफ टी आर एन एकोनॉमी ऑफ टी आर एन ए चुपका चुप एक्स्ट्रा टी आर एन ए लग जाते थे है ना क्लियर है एक्स्ट्रा टी आर एन ए नहीं होना हमारे को सेल में ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है सेल के अंदर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है मॉलिकुलर ट्रैफिक एंजाइम ट्रैफिक प्रोटीन का ट्रैफिक बहुत है तो इसमें अगर टीआरएनए भी एक्स्ट्रा ले ले तो मुश्किल है इकोनॉमी ऑफ टीआरएनए मिनिमम टीआरएनए से काम चल जा रहा ट्वेंटी टीआरएनए से काम चल जा रहा तो सिक्सटी वन क्यों लेंगे हम एन आल्सो कॉल्ड आल्सो कॉल्ड सॉल्युबल आरएनए सॉल्युबल आरएनए टीआरएनए को मैं सोलूबल आर एन ए बोलूंगा बिकॉज आफ्टर इट फंक्शन इट डिसम वाइट इज कॉल सोलूबल आर एन ए बिकॉज इट्स फंक्शन एक बार काम कर ले टी आर एन ए अपना गायब हो जाएगा ये इट डिसअपियर इन साइटोप्लाजम Okay, once टी आर एन ए फशन इज ओवर इट डिसअपियर इन साइटोप्लाजम दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्या बोलेंगे सॉल्यूबल आर बोलेंगे इस वजह से और एक नाम है टी आर एन ए को टी आर एन एज ऑल्सो कॉल्ड अडेप्टर मॉलिक्यूल टी आर एन ए को और एक नाम है ऑल्सो कॉल्ड अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोल रहे हैं इसको मॉलिक्यूल बिकॉज इट अडोप्ट अमाइनो एसिड देखो अमाइनो एसिड कैच कर रहा है ना ये इट अडोप्ट अमाइनो एसिड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अडप्टर मॉलिक्यूल अल्सो कॉल अडेप्टर मॉलिक्यूल बिकॉज इट अडोप्ट अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अडोप्ट करेगा वट इज द इनिशियेटर टी आर एन ए व इनिशिएटर टी आर एन ए अगर कोडॉन ए यू जी होता इनिशिएटर कोडॉन तो इनिशिएटर टी आर एन ए क्या होता यू ए सी होता है ना तो ये क्वेश्चन एनसीआरटी uh, में बोल्ड लेटर्स में दिया हुआ इनिशियेटर टी आर एन एज यू ए सी क्यों रहता यूएससी आपको मालूम रहना चाहिए बिकॉज कॉम्प्लीमेंटरी बेस्पेरिंग विथ ए यू जी ए यू जी का कॉम्प्लीमेंटरी क्या होगा यूएससी हम चलो तो आफ्टर टी आर एन ए के सारे पॉइंट आ गए हैं अब हम बढ़ सकते हैं आगे ट्रांसलेशन प्रोसेस की तरफ ट्रांसलेशन

माइनो एसिड लैंग्वेज अमाइनो एसिड लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन कोडॉन लैंग्वेज ऑफ एम आर एन ए ट्रांसलेट हो जाएगा अमाइनो एसिड लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन में ये प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या कन्वर्शन ऑफ डीएनए इनटू प्रोटीन इज कॉल्ड या कन्वर्शन ऑफ एम आर एन प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन अगर स्टेटमेंट आ गया तो मुश्किल है ना बहुत बच्चे ले लेंगे शायद नो यम आर एन इज जस्ट ट्रांसलेटेड इंटू प्रोटीन no. समझे कोई पैराग्राफ है कोई लैंग्वेज में है उसको ट्रांसलेट करना है आपको दूसरे लैंग्वेज में तो क्या पूरा पैराग्राफ कन्वर्ट हो जाता है वो पैराग्राफ ऐसे ही रहता है जस्ट हम ट्रांसलेट करते हैं अगर आप बोल रहे हैं व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन कन्वर्शन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन गलत कन्वर्शन नहीं हो रहा वहां पर डीएनए इज प्रोड्यूसिंग आर एन एस इज प्रोड्यूसिंग प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन समझ रहे हैं आप अब ये ट्रांसलेशन है ना फोर स्टेप्स में होने वाला है फोर स्टेप्स फर्स्ट स्टेप है ट्रांसलेशन का फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन एंड चार्जिंग एक्टिवेशन एंड चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड दिस इज द फर्स्ट स्टेप एक्टिवेशन एंड चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड सेकेंड स्टेप इज चेन इनिशियेशन चेन एलोंगेशन चेन टर्मिनेशन दीज आर द फोर स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या होने का है ट्रांसलेशन में बोलो जरा व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन ट्रांसलेशन लैंग्वेज ट्रांसलेटेड इनटू अमाइनो एसिड लैंग्वेज क्योंकि प्रोटीन किससे बने हुए हैं अमाइनो एसिड में बने हुए हैं तो ये प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं लेट सी हाउ ट्रांसलेशन ऑकर फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन वॉट इज द स्टेप चार्जिंग एक्टिवेशन एंड चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड फर्स्ट स्टेप लिखे हम एक्टिवेशन एंड चार्जिंग ऑफ टी आर एन एक्चुअली मैनी स्टूडेंट देव डाउट इन ट्रांसलेशन है ना बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट रहता है कुछ भी नहीं है पढ़ सकते हैं हम आराम से तो इनेक्टिव अमाइनो एसिड रहता फर्स्ट इनेक्टिव अमाइनो एसिड पार्टी है प्रोटीन तैयार हो रही है पार्टी में और वो प्रोटीन वो पार्टी में पार्टिसिपेट करने वाले कौन है एसिड तो पहले एक्टिवेट करो उनको एक्टिवेट कैसा करेंगे एटीपी देंगे तो पूरे एक्टिवेट हो जाएंगे ठीक है पार्टी में उनको तो रेडी होना है एक्टिवेटेड एटी सॉरी एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड पूरे रेडी हो गए सब लोग आप क्या करना एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को एक पर्टिकुलर टीआरएनए से अटैच कराना ठीक है यह प्रोसेस को हम बोलेंगे अमाइनो एसाइल टीआरएनए अमाइनो एसाइल टीआरएनए मतलब टीआरएनए प्लस अमाइनो अमाइनो अमाइना टीआरएनए यहां पर जो समझना है बात क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं यहां पर व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड टीपी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एटीपी, जीटीपी, सीटीपी क्या है सोर्स ऑफ एक्टिवेशन एटीपी है और ये यहां पर एक एंजाइम भी लगने वाला है टीआरएनए के स्ट्रक्चर में अभी अभी मैं लिखा के आ रहा हूं डी एच यू आर रिकॉगनाइज अमाइनो एसिल सिंथेटिज बोल के अभी अभी लिख के आ रहे हैं हाँ ईच अमाइनो एसिड बाइंड टू ए पर्टिकुलर और कॉग्नेट टी आर एन एग्नेट टी आर एन ए हर एक अमाइनो एसिड एक पर्टिकुलर टीआरएनए से बाइंड होगा कॉग्नेट टी आर एन ए से बाइंड होगा दूसरे टीआरएनए से नहीं बाइंड हो सकता ट्वेंटी अमाइनो एसिड है तो ट्वेंटी बाइक्स हैं हर एक की एक बाइक है और वो बाइक का नाम है टीआरएनए तो ट्वेंटी टी आर एन ए ट्वेंटी तो हर एक के लिए फिक्स है। को लेने के लिए कौन आना टी को लेने के विथ कौन आना टीआरएनए ए टीआरएनए विद है अच्छा है टीआरएनए विद विथ यूएससी एग्जामिनर जरूर जो है कंफ्यूज करने वाला है The tRNA which brings amino acid methionine, Kono questions no. tRNA which brings amino acid methionine should have base sequence UAC AUG पहला ऑप्शन रखेंगे वहाँ पे, है ना? अस मैक्सिमम्स पे ना AUG लेंगे शायद। कोडान पूछे तो AUG बोलो। कोडॉन थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं टीआरएनए पूछ रहा हूँ ना टीआरएनए पूछ रहे कोडोन कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे आप <coughs> ये हो गया हो गया ये बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड टू द टी आर एन ए बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड टू द टी आर एन एज ऑल्सो कॉल्ड अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टी आर एन ए बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड टू द टी आर एन अमाइनो असाइलेशन अमाइनो असाइलेशन बोलेंगे अमाइनो असाइलेशन <coughs> या चार्जिंग या चार्जिंग भी बोल सकते हैं अमाइनो असाइलेशन बोलो या चार्जिंग भी बोल सकते हैं चार्जिंग या अमाइनो असाइलेशन बोथ आर करेक्ट ओवर दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन फर्स्ट स्टेप ओवर अब आगे बढ़ेंगे क्लियर है कौन जा रहे हैं पार्टी में अमाइनो एसिड जा रहे हैं फर्स्ट एक्टिवेशन करेंगे एटीपी से और पार्टी में जाने के लिए वहीकल क्या है टीआरएनए आर एन है रेडी हो गए नो अब बैठे हुए हैं बस घर पे बैठे हुए हैं क्योंकि फंक्शन भी स्टार्ट होना ना और फंक्शन स्टार्ट होने के लिए चेन इनिशिएशन बोलेंगे <coughs> चेन इनिशिएशन चेन इनिशिएशन देखिए यहां पर बुक में एक बहुत ही खास लाइन लिखी हुई है ट्रांसलेशन स्टार्ट्स ट्रांसलेशन स्टार्ट वेन एम आर एन ए एनकाउंटर्स एनकाउंटर्स स्मॉलर सब यूनिट ऑफ रेब अब मैं क्वेश्चन पूछा ट्रांसलेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है पहला ऑप्शन दिया एक्टिवेशन ऑफ अमाइनासिड And the second option is given translation starts when mrna encounters smaller subunit of ribosome what is the correct answer when mrna encounters smaller subunit of ribosome that time translation starts okay who is going for attending the function amino acids are going okay amino acids are active but function is not started amino acids are active but function is not started function when it starts it starts when mrna encounters smaller subunit of ribosome this is the mrna and it encounters with a smaller subunit of ribosome this is a smaller subunit of ribosome, and here is the larger subunit of ribosome. <coughs> when translation starts, what danger a question here? When translation starts, activation of amino acid. या माइनो असाइलेशन ऑफ टी आर एन ए और बाइंडिंग ऑफ एम आर एन ए टू स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। बाइंडिंग ऑफ एम आर एन ए टू स्मॉलर सब यूनिट ये है देखो फंक्शन हॉल राइबोसोम। अब ये फंक्शन हॉल में दो गेट हैं। एक आने के लिए गेट है एक बाहर जाने के लिए गेट है आने का गेट है ए साइट और एक पी साइट है ठीक है फंक्शनल साइट दो ही हैं, ए साइट या पी साइट फर्स्ट कोडॉन फर्स्ट कोडॉन विल बी AUG, एंड फर्स्ट टी आर एन एंड फर्स्ट टी आर एन ए विल बी यूएससी एट पी साइट डायरेक्टली एट पी साइट डायरेक्टली फर्स्ट टीआरए विल एंटर डायरेक्टली इन टू पी साइट ए साइट से नहीं आएगा वो ठीक है डायरेक्टली पी साइट में आ जाएगा यह है चेन इनिशिएशन

स्टार्ट हो गया यहां पे आ गया है कोई फर्स्ट मेंबर आ गया है फंक्शन के लिए कोई भी नहीं है कौन है अकेले मिथियोनाइन इज देर अलोन लोन मिथियोनाइन फर्स्ट ई आर एन ए ब्रिंग्स द फर्स्ट अमाइनो एसिड ब्रिंग्स द फर्स्ट अमाइनो एसिड मिथियो नाइन फर्स्ट यार एन ए ब्रिंग द फर्स्ट अमाइन एसिड अमाइना नाउ अलोन फर्स्ट मेंबर इज देयर ठीक है देखो कैसा दिखेगा कोई भी नहीं है फंक्शनल में फर्स्ट अकेला है मिथ्योन्न अकेला है कौन तो आना ना अब इधर वो चेन एलोंगेशन में आएंगे अब कौन आएंगे चेन एलोंगेशन में आएंगे आगे देखेंगे दिस इज ओवर एनी क्वेश्चन क्या डाउट आता क्या इसमें कुछ तो भी ट्रांसलेशन में डाउट है टू स्टेप्स ओवर ऑलरेडी एनी क्वेश्चन आप बोलेंगे प्रोटीन कहाँ बन रहा है प्रोटीन कहाँ है बताओ ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन ना तो अभी तो एक अमाइनो एसिड आया ऐसे हंड्रेड अमाइनो एसिड आएंगे वन बाय वन वन बाय वन नाउ द थर्ड स्टेप स्टार्ट चेन एलोंगेशन चेन एलोंगेशन

कुछ भी लेकर आओ सेकेंड एसिड नाउ द सेकेंड टीआरए एंटर्स फ्रॉम ए साइट ए साइट से आ जाएगा सेकेंड टी आर एन ए सेकेंड टी आर एन एंड मे बी इट इज हैविंग सेकेंड एसिड अब मिथुन बहुत खुश कौन तो कौन आ गए ना यस पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए भाई पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है दो अमान एसिड के बीच में एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन आकर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन आकर बेटवीन अमाइनो एसिड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड अमाइनो एसिड फर्स्ट एंड सेकेंड अमाइनो एसिड बाई राइबोम एनजाइम कौन से एनजाइम से राइबोम अंडरलाइन करना राइबोजाइम वॉट इज राइबोजाइम इट इज ट्वेंटी थ्री एस आर आर एन ए थ्री एस आर आर एन बाई राइबोजाइम एनजाइम पैप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन आकर बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड अम एसिड बाई राइबोजाइम एनजाइम द्वेंटी थ्री एस आर आर एन ए ठीक है ओके okay. अब क्या होना चाहिए ओके पी साइड भी फिल है ए साइड भी फिल है एनी साइट फ्री दो सीट इस थे दोनों सीट पे बैठ गए अब कितने सीट फ्री हैं कुछ भी नहीं है सीट कैसे खाली करना आप राइबोजोम को आगे भगाएंगे ठीक है ना ऑफ द राइबोजोम ना ऑफ द राइबोजोम स्टार्ट मूविंग स्टार्ट मूविंग इन 5 prime to 3 prime direction codon by codon. Just imagine codon by codon. How you read you're reading your test book right? How you're reading word by word. you're reading word by word and while reading you're following a particular direction. you're reading your reader left to right Anna? Right? तो यहाँ पे भी रीडिंग करना है तो फाइव से थ्री जाना फाइव प्राइम से थ्री प्राइम ऐसा नहीं कि यहाँ थ्री प्राइम से निकल के फाइव प्राइम में आ रहे हैं। रूल है फाइव से थ्री जाना चाहिए कोडॉन बाई कोडॉन जाना चाहिए यह भी रूल है ओके एंड वाइल्ड ट्रांसलेशन वेदर राइबोसोम हैज टू मूव और एमआरएनए हैज टू मूव और बोथ टू मूव क्या रायबोजो मूव होना क्या यम आर एन ए मूव होना या दोनों भी मूव होना वाइल्ड रीडिंग वेदर यू मूव योर बुक और मूव योर आइज और यू मूव बोथ है अच्छा बुक ऐसे 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 या नहीं तो आईज भी या दोनों भी सो योर आईज आर मूविंग बुक्स स्टेशनरी हैं तो एम ने बुक है and who is reading that book ribosome is reading that book and how it is reading word by word word by word bolo. codon by codon five prime to three prime direction bolo now the ribosome start moving in five prime to three direction codon by codon this is called translocation kya ट्रांसलोकेशन एनर्जी फ्रॉम जीटीपी जितनी भी एनर्जी लगने वाली है वो जीटीपी से आने वाली है. वो एक ही स्टेप था एटीपी आने का चेन इनिशिएशन दट सॉल्व बाकी में सब में जीटीपी 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 एटीपी इज एनर्जी करेंसी जीटीपी इज आल्सो एनर्जी करेंसी जीटीपी एनर्जी मोस्ट कॉमन एनर्जी करेंसी बोलते हैं ए बोलते हैं ओके दिस इज चेन एलांगेशन आप जस्ट इमेजिन करो पेप्टाइड बॉन्ड बन गया राइबोसोम इज मूविंग फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड कोडॉन फोर्थ कोडॉन फिफ्थ कोडॉन सिक्स कोडॉन एट्थ कोडॉन टेंथ कोडॉन ऐसे ही पढ़ते चले जाएगा और ये प्रोटीन चेन ये बढ़ते चले जाएगी बढ़ते चले जाएगी प्रोटीन चेन प्रोटीन चेन का लेंथ बढ़ते चले जाएगा है ना ये मिथियोनाइन और पहले यहां पर रहेगा उसके बाद सेकेंड अमाना से थर्ड अमाना से फोर्थ फिफ्थ ये 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 एट फिर नाइन्थ आएगा फिर टेंथ आएगा फिर इलेवंथ आएगा फिर हंड्रेड आएंगे अमाना से चलते रहेगा एक एक आना बाइंड होते जाना पेप्टाइड बॉन्ड बनाते जाना भाई विच एनजाइम राइबोजाइम एनजाइम क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइबोजाइम कैटोलाइटिक आर एन ए ट्वेंटी थ्री एस आर आर एन ए डोंट कंफ्यूज विथ ट्वेंटी एट आर आर एन ए ट्वेंटी एट अलग था कंफ्यूज होने वाले हैं ट्वेंटी एट ईयस अलग था ट्वेंटी एट इज द सब यूनिट ऑफ आर आर एन ए ट्वेंटी थ्री है ट्वेंटी थ्री एस आर आर एन ए इज राइबो ज़़ाइम है और एक बात याद रखो इधर यम आर एन एट बोथ यम आर एन एट बोथ एंड्स बिफोर स्टार्ट कोड ऑन एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन एट बोथ एंडस एम आर एन एट बोथ एंडस बिफोर स्टार्ट कोडॉन एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन है कुछ नहीं आया चाहिए यूटीआर वॉट इज यू टी आर अनट्रांसलेटेड रीजन्स अन ट्रांसलेटेड रीजन्स बोथ बिफोर स्टार्ट कोडॉन एयूजी से पहले और स्टॉप कोड़न के बाद एक क्या है यूटीआर है हैज यूटीआर एंड ट्रांसलेटेड रीजन विच इंक्रीजेस विच इंक्रीजेस एफिशियंसी ऑफ एफिशियंसी ऑफ ट्रांसलेशन विच इंक्रीजेस एफिशियंसी ऑफ ट्रांसलेशन जस्ट लाइक यूर बुक है ना बिफोर स्टार्ट ऑफ द बुक स्टार्ट ऑफ योअर चैप्टर देर इज वन कवर ये कवर है एंड आफ्टर द एंड ऑफ बुक ये कवर है विच चैप्टर इज रिटर्न ऑन दिस कवर कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है इंफॉर्मेशन बट दे आर इंपॉर्टेंट दे आर इंक्रीजिंग एफिशियंसी ऑफ ट्रांसलेशन यूटीआर यहां पर भी रहेंगे यूटीआर लास्ट में भी रहेंगे अनट्रांसलेट नाम में लिखा हुआ अनट्रांसलेटेड ट्रांसलेटेड रीजन अनट्रांसलेटेड रीजन बट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग द एफिशियंसी ऑफ ट्रांसलेशन ओके एंड फाइनली फाइनली चेन टर्मिनेशन आकर फाइनली चेन टर्मिनेशन एनी वन ऑफ दी स्टॉप कोड ऑन सफिसियंट कोई एक भी सफिसियंट है हा? तीनों के तीनों स्टॉप कोड ऑन जरूरी नहीं है कोई एक भी चाहिए एनी वन ऑफ दौन कौन से है यू ए यूए जी यूजीए कौन सा भी अगर यहां पर आ गया ए साइड पे राइबोसोम इज़ मूविंग 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 कोडन बाय कोडन लास्ट में UAA आ जाता UAA आते स्टॉप पूरे स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप सब चीज़ स्टॉप राइबोसोम डिसोसिएट हो जाएगा राइबोसोम डिसोसिएशन एट चेन टर्मिनेशन स्टेप व्हाट हappens राइबोसोम डिसोसिएशन मतलब लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट अलग अलग हो जाएंगे प्रोटीन की जो चेन बने प्रोटीन चेन इज रिलीज इन टू साइटोप्लाजम जो भी प्रोटीन बना वो साइटोप्लाजम में चला जाएगा ठीक है जो भी प्रोटीन बना साइटोप्लाज्म में चला जाएगा फ्रॉम साइटोप्लाजम प्रोटीन एंटर्स इंटू गोलगी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इ पढ़ते गॉलगी कॉम्प्लेक्स में जाता अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है जहां पर प्रोटीन रिक्वायर्ड है वहां पर प्रोटीन को भेज देता हूं रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्शन इज गिवन बाई गॉलगी कॉम्प्लेक्स release factor rf what is rf release factor binds to stop codons release factor binds to stop codon release factor will get protein hai. release factor is a type of protein which is responsible for stopping translation step स्टॉपिंग ट्रांसलेशन स्टेप ओके मतलब जैसे ही कहीं पर यूए आ जाएगा ना तो यहां पर आर एफ आके बाइंड हो जाएगा आर एफ बाइंड होते ही ट्रांसलेशन स्टॉप ओके कल जो है हम क्वेश्चन करेंगे ट्रांसलेशन के ऊपर पढ़ के आइए